एमेजॉन EC2 AMI। अभी हम इस सेशन में देखेंगे एमेजॉन मशीन इमेज क्या है, कैसे काम करता है एंड कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो एमेजॉन मशीन इमेज क्या है, पहले तो वो देखते हैं कि एमेजॉन मशीन इमेज क्या है। सो एमेजॉन मशीन इमेज एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्चुअल अप्लायंस जो हम यूज़ करते हैं EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करने के लिए। एंड बेसिकली ये डिप्लॉयमेंट सर्व करता है जो EC2 इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट डिलीवर करने के लिए यूज़ होता है। सो लेमन लैंग्वेज में देखें तो EC2 क्या है, तो EC2 एक टेम्पलेट है जो OS पे कॉन्फ़िगर किया हुआ होता है। एंड OS के अपार्ट फ्रॉम क्या होता है कि उसके अंदर कुछ प्री रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि मेरा विंडोज़ का है या तो ये लिनक्स का है, OS कॉन्फ़िगर है एंड उसके अंदर मैंने कुछ सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल किए, तो मैं ये टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ मेरे ही इंस्टेंस डिप्लॉय करने के लिए। तो बहुत ही इजी है, मतलब जहाँ पे हम समझने के लिए कि एक आइजो इमेज है वहाँ से हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं उसके जैसा ही है। सो ये अमेजोन मशीन इमेज एक टेम्पलेट है और टेम्पलेट से हम मल्टीपल इंस्टेंस डिप्लॉय कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या प्रोवाइड किया, मतलब आप देखो तो सेम डेफिनेशन पे जाएंगे तो एन AMI प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू लॉन्च इंस्टेंस इन अ क्लाउड। यू स्पेसिफाई AMI व्हेन लॉन्च इंस्टेंस, यू कैन लॉन्च एज मेनी एज इंस्टेंस फ्रॉम द AMI यू नीड। सो बेसिकली आप जब इंस्टेंस लॉन्च करते हो इन अ क्लाउड तो आपको AMI देना पड़ता है कि कौन सा AMI, मतलब कौन सा टेम्पलेट आपको यूज़ करना है जहाँ से आपका OS डिप्लॉय होगा। एंड सिंगल AMI से आप मल्टीपल इंस्टेंस डिप्लॉय कर सकते हो, जितने चाहिए उतने आप डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब एक टेम्पलेट आपने बनाया वही सेम टेम्पलेट आप मल्टीपल टाइम्स को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपाचे इंस्टॉल करना है और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है या कोई फाइल्स कॉपी करनी है तो ये सारा पहले से AMI में कॉन्फ़िगर कर देते हो तो यूज़र डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो AMI क्या क्या टाइप के OS रहते हैं, तो AMI में मोस्ट ऑफ सारे OS सपोर्टेड है, जैसे कि लिनक्स उबंटू, लिनक्स फेडोरा है, विंडोज़ है, विंडोज सर्वर है, रेड हैट है, तो सारे OS सपोर्टेड है। आप मार्केट प्लेस में सारे OS के टेम्पलेट आपको AMI के सेशन AMI के कंसोल पे मिल जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम आप AMI जब डिप्लॉय करते हो तो उसके ऊपर भी आप यूजर डेटा रन करके आपके सॉफ्टवेयर पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। AMI से आप दूसरी AMI भी बना सकते हो, जब आप AMI लॉन्च करो उससे आप इंस्टेंस क्रिएट करो और इंस्टेंस के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उस पे बेस AMI भी आप चेंज कर सकते हो, उसको बोलते हैं कस्टम AMI। सो बेसिकली दो टाइप की AMI है, एक है पब्लिक AMI और एक है प्राइवेट AMI। तो कस्टम जो कस्टम प्राइवेट AMI है वो उसका फायदा क्या है, तो उसका बेस्ट बेनिफिट है कि उसके अंदर आपका कंपनी या आपको स्पेसिफिक पर्सनल यूज के रिक्वायरमेंट सारे सॉफ्टवेयर और पैकेजेस इंस्टॉल रहते हैं। दूसरा क्या है कि वो फास्ट बूट टाइम है, क्योंकि उसके अंदर आपको यूजर डेटा रन करना नहीं पड़ता तो वो वेट नहीं करेगा यूजर डेटा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो फास्टर बूट टाइम हो जाएगा। तीसरा है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मेंटेनेंस अपडेट्स रहेगा, जैसे कि आप में कुछ अपडेशन है या तो कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी है तो आप सिंगल AMI इमेज में अपडेट कर दो, तो मतलब सारे नेक्स्ट इंस्टेंस जितने भी लॉन्च होंगे सारे लेटेस्ट AMI के साथ रन होंगे, तो अगर लेटेस्ट AMI के साथ रन होते मतलब उसके अंदर सारे अपडेट्स चले गए। दूसरा क्या है कि उसके अंदर फास्टर ऑटो स्केलिंग आप डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब फास्टर ऑटो स्केलिंग मतलब कि मेरा नेक्स्ट जो इंस्टेंस होता है उसके अंदर यूजर डेटा या कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बेस AMI में वो सारा अपडेटेड है, तो मतलब वो फास्ट AMI डिप्लॉय हो जाएगा। सो AMI स्टोर कहाँ होती है, तो AMI स्टोर होती है S3 कंसोल के अंदर बेसिकली स्टोर होती है, बट आप वो कंसोल के अंदर आपको मिलेंगी नहीं क्योंकि वो प्राइवेट एंड लॉक है आपके अकाउंट के लिए। आपने जो AMI कस्टम बनाए उसको आप पब्लिक कर सकते हो, दूसरे अकाउंट के साथ भी शेयर भी कर सकते हो, और आपको सेल करना है तो मार्केट प्लेस में आप उसको सेल भी कर सकते हो। दूसरा कौन सा है कि जैसे कि मुझे AMI क्रिएट नहीं करना, मुझे पब्लिकली AMI यूज़ करना है, तो अमेजन मार्केट प्लेस से आप पब्लिकली AMI यूज़ कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको कुछ अर्ली बेस चार्ज देना पड़ेगा, बट उसका बहुत फायदा है कि आपको खुद मेंटेन नहीं करना पड़ता, वो ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर के साथ रहता है, इजी टू रन एंड कॉन्फ़िगर होता है। एंड बेसिकली कौन बनाता है ये पब्लिक AMI, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स रहते हैं जिनका सेलिंग का काम होता है कि वो क्रिएट करके अमेजोन मार्केट प्लेस पर रखते हैं। कुछ AMI ऐसी भी है जो अमेजन ने खुद मार्केट प्लेस में रखी, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसके आप अगर आप अमेजन की सर्विसेज यूज़ करते हो
तो रेकमेंडेड है कि वहाँ से आप बेस्ट AMI भी आपको मिल सकती है जो अमेजोन के प्री रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। ये सारी AMI आपको कहाँ से मिलेगी? तो ये सारी AMI आपको अमेजोन मार्केट प्लेस से मिलेंगी। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई अनट्रस्टेड AMI यूज़ ना करो। अगर आपने अनट्रस्टेड AMI यूज़ किया तो प्रॉबेबली उसके अंदर वायरस भी हो सकता है, मालवेयर हो सकता है, और वो आपको सिक्योरिटी बीच के लिए प्रॉब्लम भी कर सकता है। सो ये था AMI कैसे काम करता है, AMI के टाइप्स क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे AMI क्रिएट कैसे करते हैं।